धारदार हथियार से हमला कर गला रेतने और जान से मारने की कोशिश करने वाले आरोपी विजेंद्र सिंह पिता मंगीलाल जाति राजपूत को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धारदार हथियार से युवक का गला रेत कर हुआ था फरार। आरोपी को बोढ़ा पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आरोपी पुलिस की हिरासत में है। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर धारा 307, 294, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। थाना राजगढ़ जिले के बोढ़ा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम चुमली का है, जहां पर गांव के ही विजेंद्र सिंह पिता मांगीलाल जाति राजपूत ने अपने ही गांव के जितेंद्र सिंह पिता सोहन सिंह राजपूत उम्र 27 वर्ष पर धारदार हथियार से गला रेत कर जान से मारने का प्रयास किया था और मौके से फरार हो गया था। वहीं जितेंद्र के गले की नस कट जाने से खून बहने लगा, जिससे घायल जितेंद्र की हालत बिगड़ने लगी। परिजनों द्वारा बोढ़ा पुलिस को सूचना दी गई और घायल को शुजालपुर जस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर द्वारा घायल जितेंद्र की हालत नाजुक बताई जा रही है। फिलहाल उपचार जारी है। वहीं पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर बोढ़ा थाने लेकर आई है। राजगढ़ जिला ब्यूरो चीफ हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। सर, जो कल ये चुमली में एक घटना घटी है जिसमें एक व्यक्ति ने एक इंसान का गला रेत दिया है, इस संबंध में क्या हुआ अभी तक? चुमली गांव है, वहाँ पर राम मंदिर है, उसमें कथा चल रही थी, सब कथा में बैठे थे। एक जितेंद्र राजपूत है वो बैठा था, पीछे भुजेंद्र बैठे थे, सब लोग बैठे थे, वहाँ काफ़ी भीड़ थी। इसी दौरान जितेंद्र के गले से अपने गले में रुमाल डालने रुमाल लेके भुजेंद्र खींच लिया, उसे पसीना सीना पहुँच रहा था। उसने बोला, भाई तू अपना रुमाल रखा कर, मेरा क्यों तुमने खींच लिया? तो गाड़ी गिरफ्तार करने लगा मामला, तो उसने मना किया। इसी बात पर उसने छुरी निकाली और उसका गला रेत दिया, जिससे गले में काफी चोट। छुरी किसने निकाली? भुजेंद्र ने छुरी निकाल कर उसको मार दिया गले को, जितेंद्र को। जितेंद्र इसकी यहाँ थाने में रिपोर्ट हुई है। हाँ, रिपोर्ट हुई। सर, कौन 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 से धारा में मुकदमा दर्ज हुआ? 307 कायम हुआ। और सर, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया? आरोपी जो लिया है ना, गिरफ्तार हो गई है, यही थाने में मौजूद है। थाने में क्या नाम है आरोपी का? विजेंद्र। विजेंद्र है का नाम मांगीलाल, और वो थाने पे ही है। थाने पे है। और अन्य दूसरे व्यक्ति को? वो तो हॉस्पिटल में है। फरियादी नहीं, जो और एक ही नाम बोला, एक ही नाम बताया है वो। तो उनके जो अपराधी है उनके परिवारजनों को भी आप लाए हैं क्या? नहीं, उनके परिवारजनों को लाए हैं। तो सर, फरियादी की क्या स्थिति है अभी? वो उसकी गला कटा है, काफ़ी चोट है, वो अभी भर्ती है जिस हॉस्पिटल से। सर, लगता है वो बच पाएगा? देखिए, तो डॉक्टर के ऊपर है, डॉक्टर ने लिखा है। सर, आपने उसका घाव देखा कितना है? लगभग घाव काफ़ी घाव। और सर, अपराधी से आपने जैसे कि गिरफ्तारी की है, गिरफ्तारी अभी हुई नहीं है? गिरफ्तारी हुई तो नहीं है? गिरफ्तारी कहाँ है, अभी लेके आए, अभी तो लेके आए। हथियार वगैरह जब्त हुए? हाँ, पूछताछ करेंगे, वो बताएगा वहाँ से।